सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रभुर नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थो हम कृतार्थो हम कृतार्थो हम न संशय। वर्षोत्सव के इस श्रृंखला में हम श्रृंगार पर चिंतन कर रहे थे। पिछले सत्संग में भूमिका स्वरूप हमने नित्य सेवा का प्रारंभ तो किया है, हम मंगल भोग से श्रृंगार पर्यंत की सेवा में आए हैं। प्रभु श्रृंगार चौकी पर विराज चुके हैं और श्रृंगार चौकी पर विराज कर प्रभु को हमने अंगवस्त्र किया, अतर समर्पण किया और तनिया धारण करवाया। वहाँ तक हमने पिछले सत्संग में कुछ भगवत चर्चा करी थी। अब इस बार प्रभु के तनिया धारण करने के बाद अगर लालन के स्वरूप विराज रहे हैं तो आपको पहले श्रीहस्त के श्रृंगार करने से पहले बागा धराना होगा और लालन को बागा धरा कर तुरंत कंदोरा धराना होगा। फिर श्रीहस्त में जो छड़ा जोड़ी पौची कड़ा जो भी आप धराते हैं वो कर्णफूल और कुंडल के श्रृंगार के हल्के भारी श्रृंगार के हिसाब से आपको श्री धारण करवाने हैं। फिर श्रीकंठ में गोप धारण करवाकर चरणारविंद में नूपुर कड़ा पैंजनी वगैरह जो भी हम चरणारविंद में आपको सुगमता है वो श्रृंगार धारण करवाएं। वैसे नूपुर पायल जेहर ये सभी श्रृंगार हम श्री चरणारविंद में धराते हैं, पर नूपुर पायल जेहर पगपान तोड़ा अनवट बिछिया नखभूषण और जेहर ये जो चरणारविंद के आभरण हैं उसमें से लालन के जब हम श्रृंगार करते हैं तो प्रायः हम तीन चीज ही धराते हैं। नूपुर धराते हैं, तोड़ा धराते हैं और यदा कदा हम नखभूषण धारण करवाते हैं या फिर पगपान धारण करवा देते हैं। तो इस प्रकार से हल्के भारी श्रृंगार में चरणारविंद के सेवा का क्रम रहता है जो श्रृंगार किए जाते हैं। और ऐसे ही श्रीकंठ में कंठाभरण कौस्तुभ दुलरी आदि धराकर और फिर प्रथम मस्तक के श्रृंगार करके और फिर श्रीकंठ के श्रृंगार करते हैं। अगर मदन मोहन जी विराजते हैं, स्वामी जी विराजते हैं तो वहां भी यही क्रम रहता है कि पहले हम श्रीअंग पे बागा धराकर श्रीहस्त के जो वस्त्र हैं वो चोली धराकर और श्रीहस्त के दोनों वस्त्र जो हैं वो दोनों श्रीहस्त पर धारण करवाने के लिए प्रथम श्रीहस्त के श्रृंगार करते हैं जिसमें जोड़ी पौची कड़ा आदि हम धारण करवाते हैं। और वो धारण होने के बाद फिर सूथन धराया जाता है। सूथन के साथ नाड़ा भी धराते हैं, उस पर बागा धराते हैं या फिर बागा धराने से पहले कहीं कहीं सूथन के ऊपर प्रथम नूपुर धराकर फिर जेहर धराकर फिर नखभूषण धराकर फिर अनवट बिछिया धराकर फिर पकवान धराकर और फिर पायल धराते हैं। ये भारी श्रृंगार का क्रम हुआ। अगर केवल घेरदार के या हल्के सूथन पटका आदि के श्रृंगार हैं, कर्णफूल के श्रृंगार हैं तो हम केवल नूपुर पगपान हल्की सी पायल और जेहर धराते हैं नखभूषण सहित। चरणारविंद में इस प्रकार से श्रृंगार होगा और इसी प्रकार से आपके श्रीकंठ में गोप कंठमाला कौस्तुभ आदि हम धारण करवाते हैं। उसी प्रकार से श्रीकंठ में जो धारण करेंगे वो पहले गोप धरेंगे दुलरी धरेंगे और फिर जब पूरे श्रृंगार हो जाएं उसके बाद हम श्रीकंठ में कंठमाला धराते हैं, उसके नीचे हांस धराते हैं। अगर कुंडल के श्रृंगार हैं तो जो कर्णफूल के श्रृंगार हैं तो हांस धारण नहीं करवाएंगे और कर्णफूल के श्रृंगार हैं तो कंठमाला के नीचे सीधी त्रवल धारण करवाएंगे। और अगर कर्णफूल के श्रृंगार नहीं और कुंडल के श्रृंगार हैं तो कंठमाला के नीचे हांस आएगा और हांस के नीचे फिर त्रवल आएगी। तो ऐसे श्रीकंठ के श्रृंगार
करने से पूर्व हम श्री मस्तक के श्रृंगार करेंगे और एक बार सूथन बागा पटका वगैरह सब कटी में धारण हो जाए उसके बाद अलंकार बांक तिलक अलकावली ये प्रथम धारण करवाकर और फिर श्रीमस्तक के श्रृंगार करते हुए श्रीमस्तक के श्रृंगार पूर्ण करके श्रीमस्तक पे पाग धराई है तो पाग धरा कर फिर अपन लपेटा लेते हैं कहीं 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 उसे पाट कहते हैं और कहीं कहीं उन्हें केशावली भी कहा जाता है। तीनों नाम से हमारे यहाँ ये प्रचलन है। तो पाट जिसमें रेशम के केवल पतले पतले दोरे होते हैं वो केशावली के भाव से होते हैं। तो पहले पाग धराकर फिर ऊपर पाट धराई जाती है, पाट धराकर फिर पाग की छोड़ को इस तरफ ले लिया जाता है, उस तरफ लेने के बाद फिर पाग के ऊपर सिरपेच धारण करवा के सिरपेच के बाद पाग की लड़ धराते हैं और पाग की लड़ धराने के बाद पाग के ऊपर पाग का कतरा धराया जाता है। ऐसे ही पाग के तरफ दूसरी बाजू शिशफूल, शिशफूल की लड़, शिशफूल के कतरा, फूल, चंद्रमा आदि हम धारण करवाते हैं। मदन मोहन जी के स्वरूप के श्रृंगार की इस भावना को जब दर्शन करते हैं उसी प्रकार से अगर हम श्याम स्वरूप के श्रृंगार करने के लिए बैठे हैं तो श्री श्याम स्वरूप के श्रृंगार में प्रथम तनिया धारण करवाया जाएगा। तनिया धारण करवाने के बाद सबसे पहले जो चतुर्भुज स्वरूप है तो भी श्रीअस्त के श्रृंगार होंगे और जो द्विभुज स्वरूप है श्री गोवर्धन धारण के रूप में विराज रहे हैं तो प्रथम श्रीहस्त के श्रृंगार करते हुए चोली धारण करवाएंगे। तो पहले श्रीहस्त के श्रृंगार में कैसे करेंगे तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे। अगर शंख चक्र गदा पद्म ऐसे धारण किया है फिर भी हम कैसे धराएंगे, हम शंख चक्र गदा पद्म इस तरफ क्लॉकवाइज चलेंगे। प्रभु ने धारण किसी भी श्रीहस्त में कोई भी आयुध किए हैं और हम शंख चक्र गदा पद्म आदि के नाम से ऐसे हम बोलते हैं लेकिन जब हम सेवा करते हैं तो अपने सेवा के क्रम में तो हमको क्लॉकवाइज ही जमने श्रीहस्त से दाबे श्रीहस्त की तरफ आने हैं। तो प्रथम श्रीहस्त के श्रृंगार होते हैं तो प्रथम श्रीहस्त पे बाघा धराया जाता है अगर बाघा धर रहे हैं तो, और बाघा अगर नहीं धर रहे हैं तो केवल जोड़ी पौची या पौची और कड़ा या जोड़ी पौची कड़ा और बाजूबंद ये सब श्रीहस्त में वस्त्र के साथ ही धराते हैं और वस्त्र नहीं धरते तो भी ये आभूषण तो धराए ही जाते हैं। तो इस प्रकार से श्रीहस्त के श्रृंगार करते हुए श्रीहस्त के श्रृंगार के साथ साथ चारों श्रीहस्त में जब बागा धरा लिया जाता है उसके साथ साथ श्री ठाकुर जी के श्रीकंठ में चोली धारण करवाई जाती है और चोली धराकर सबसे पहले सूथन धराएंगे, सूथन के साथ फोंदना या नाड़ा धराएंगे और उसके बाद उस सूथन के जो चरणारविंद तक जो भाग आया है उसको पायचे से प्रथम धराया जाता है। पायचा का मतलब यह है कि दोनों तरफ लगाव लगा हुआ होता है और बीच में श्याम वस्त्र होता है या श्याम डोरी होती है तो उस श्याम डोरी के दोनों तरफ लगाव लगा हुआ होता है लंबी लंबी गोलियां। सूथन को अपने शेप में लेकर प्रथम उस श्याम पाइचे से कस देना है और कसने के बाद उसकी एक पटली ऊपर करते हुए उस पर नूपुर धराने हैं और जब हम प्रभु को नूपुर अर्पण करते हैं उस समय श्री आचार्य चरणों का ध्यान करना चाहिए, उस समय गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए और श्री हरिराय जी की भावना के अनुसार जब नूपुर धारण कराए जाते हैं तब हमारे गुरु का स्मरण कराते हुए और नूपुर धारण प्रभु को करवाने चाहिए। और जब प्रभु को नूपुर धरा दिए उसके बाद अगर कुंडल के श्रृंगार हैं तो नखभूषण, अनवट बिछिया, बगपान, पायल, नूपुर और फिर जेहर। और केवल अगर कर्णफूल के श्रृंगार हैं, हल्के श्रृंगार हैं तो नखभूषण, बगपान, पायल, नूपुर और जेहर। फिर चरणारविंद में कभी कभी जेहर की जगह पे चूड़ा गुजरी भी धराया जाता है जो दो विभाग में होता है, एक तरफ ऐसे नाके जैसे निकले हुए होते हैं और ऊपर से उसका पूरा जड़तर होता है उसे चूड़ा गुजरी कहते हैं, वो भी धारण करवाया जाता है।
कर्णफूल के श्रृंगार हैं, तो ऐसे दोरा में पूरे हुए पायल धारण किए जाते हैं, और भारी अगर कुंडल के श्रृंगार हैं तो पायल ऐसे जड़ाऊ पायल भी आते हैं जो पगपान के ऊपर आकर ऐसे विराजमान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से चरणारविंद के श्रृंगार का हमने क्रम देखा, उस प्रकार से शिहस्त के श्रृंगार का हमने क्रम देखा, और ये श्रृंगार होने के बाद फिर अलंकार बांक तिलक अलकावली आदि धराकर और तुरंत ही हम कुंडल धारण करवा देते हैं, और कुंडल धारण करवाने के बाद सीधे श्रीमस्तक के श्रृंगार होते हैं। और श्रीमस्तक के श्रृंगार में जैसे हमने पाग का क्रम श्री मदन मोहन जी के क्रम में देखा, उसी प्रकार से श्रीमस्तक के श्रृंगार में कुल्हे धराते हैं, मुकुट धराते हैं, सहरा धराते हैं, टिपारा धराते हैं, किरीट धराते हैं, खूप धराते हैं, या फिर दुमाला धराते हैं। दुमाला कुंडल का सबसे हल्का श्रृंगार है। इतने जब आभूषण अलग अलग प्रकार से जब श्रीमस्तक पर धराए जाते हैं तब कुंडल के श्रृंगार होते हैं। सहरा में भी कुंडल आएगा, मुकुट में भी कुंडल धरेंगे, कुल्हे में भी कुंडल धरेंगे, वो बड़ी कुल्हे है, छोटी कुल्हे हो, तीन जोड़ी की सबसे बड़ी कुल्हे हो, उसमें भी कुंडल धरेंगे। तो इस प्रकार से ये सब कुंडल के प्रकार हुए, और कुंडल में सबसे हल्के में हल्का श्रृंगार दुमाला है, और सबसे भारी में भारी श्रृंगार कुल्हे का होता है जब कुंडल धारण करवाते हैं। उत्सवों में तीन जोड़ी के श्रृंगार होते हैं। तीन जोड़ी के श्रृंगार का मतलब हुआ तीन लेयर के श्रृंगार नहीं, तीन जोड़ी का श्रृंगार हुआ हीरा की, पन्ना की और माणिक की। ये तीन जोड़ियां धर के, पौचियां धर के, और फिर छड़ा, जिसको गुजराती में छड़ा कहते हैं और ब्रज की भाषा में जिसे पौची कहते हैं, वो पौची धराई जाती है। तो जोड़ी और पौची, तो हीरा की, पन्ना की, माणिक की तीन जोड़ी धारण करवाने के बाद फिर सबसे अंत में एक पौची धराई जाती है। सबसे ऊपर हस्ताकला आते हैं, हस्ताकला के ऊपर मुद्रिकाएं आती हैं, मुद्रिकाओं के नीचे हस्ताकला, हस्ताकला के नीचे कड़ा, फिर जोड़ी और फिर पहुंची। इस प्रकार से श्रीहस्त के श्रृंगार होते हैं। और बाजूबंद द्विभूत स्वरूप विराज रहे हैं तो भी बाजूबंद और उसके फौंदने, और चतुर्भुज स्वरूप विराज रहे हैं श्याम स्वरूप तो भी बाजूबंद और उसके फौंदना उस प्रकार से धराने चाहिए जैसे बाहर की तरफ जहां गोली लग रही है वहां से ही वो फौंदना बाहर आने चाहिए। तो इस प्रकार से श्री जी को भी जब बाजूबंद धराए जाते हैं तो एक अलग प्रकार से धराए जाते हैं, और फौंदना का एक अलग पड़छिया जाकर पीछे बाजूबंद के पीछे लगता है। तो अलग अलग प्रकार से हमारे स्वरूप के सेवा सौकर्यों को देखते हुए, अवकाश को देखते हुए गोलियों का प्रकार हमें लेना चाहिए। गुरुदेव के मार्गदर्शन से जिस प्रकार से कौन सी गोली कहाँ लगानी है, गोली एक के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, किस आभूषण में गोली लगेगी, किस आभूषणों में मरोड़ी लगेगी, किस आभूषण में झेला लगेगा। झेला का अर्थ होता है जैसे हम पटका धराते हैं तो पटका में दो तरफ लगाव की गोलियां लगी हुई होती हैं और बीच में श्याम डोरा होता है, उसे झेला कहते हैं। तो पटका को जितना हमें बाहर रखना है उसके अलावा का जो अधकी का पटका है, जो लंबाई उसकी जो ज़्यादा है, तो उसको लपटने का जो श्याम डोरा होता है उसे झेला कहा जाता है। तो वो झेला को हम धारण करवाते हैं, और झेला दोनों तरफ कटी की तरफ से पीताम्बर अगर पटका नीचे आएगा तो उस प्रकार से भी धराया जाएगा, और झेला जब पटका को या हम पीताम्बर को मुकुट के समय में जब धराते हैं तो आपको यहाँ श्रीकंठ के यहाँ उस एक गोली को धराते हुए दूसरी गोली को श्रीहस्त के पास धराते हुए और फिर पीताम्बर का हम छोड़ ऊपर लेते हैं। तो इस प्रकार से पटका पीताम्बर के भी अलग अलग झेला से धराने का क्रम हमने देखा, और उसके बाद गोल पाग है, खिड़की की पाग है, छज्जेदार पाग है, चक्रीदार पाग है, फिर लहरिया की पाग है, फिर गोटी की पाग है, फिर कुल्हे की पाग है। ऐसे अलग अलग पाग के भी बहुत प्रकार हैं। अगर कभी अवकाश होगा तो कैसी पाग कैसे बांधी जाती है और किस पाग को क्या कहा जाता है, छज्जेदार पाग किसे कहा जाता है, लपेटा की पाग किसे कहा जाता है, मुतक्का पर बांधकर नीचे पाग बंधती है और फिर उसे वहाँ से लेकर और पाग की गोली के संग ऊपर कैसे धराया जाता है, ये पूरा एक अलग विज्ञान है। पूरा श्रृंगार शास्त्र भी अपने यहाँ बहुत विशिष्ट प्रकार से
ऐसा नहीं तैयार फ्रॉक आ गए, तैयार बाघा आ गए, उसमें टाकियां टाकनियां और सुइयां लगी हुई हैं, ऐसे कैसे लाके और पीछे एक फीता बांध के उसे धरा दिया। ऐसे हमारे यहाँ श्रृंगार नहीं होता है। श्रृंगार में भी एक एक श्रृंगार की, एक एक ब्रजभक्तों की भावना है, एक एक वस्त्र में ब्रजभक्तों की भावना है, अलग अलग श्रृंगारों के अलग अलग नाम, अलग अलग आकार, अलग अलग साइज, ये सब जो निबद्ध किया गया है, एक एक आभरणों के पीछे एक एक गोपिकाओं के यूथ की भावना, श्री यशोदा जी की भावना के साथ साथ अलग अलग स्वामीजियों की भावना हर आभरण के साथ जुड़ी हुई है। नित्य प्रति के सेवा क्रम में जैसे हम जब ठाकुर जी को पढ़ाते हैं उस समय पाग, पाठ, सिरपेज या ठाड़ी लड़, पाग की लड़ इतना श्रीमस्तक पे विराजता है, मुखारविंद पर बांक, अलकावली, तिलक, अलंकार, बेसर, चिबुक और बिना लटकन के सादा, बिल्कुल सादा कर्णफूल ये श्रृंग पे विराजता है, नखभूषण और साथ साथ में एक एक छड़ा, एक एक पौची चारों शीर्ष में विराजते हैं। चरणारविंद में केवल नुपुर धारण किए हुए होते हैं और नखभूषण चरणारविंद के आगे के जो चरण के नखभूषण हैं वो धराए जाते हैं। इतने आभूषण श्रीअंग पे विराजमान होते हैं जब प्रभु पौढ़ने पधारते हैं। मदन मोहन जी जब पौढ़ने पधारेंगे, ये श्याम स्वरूप की हमने बात करी, जब मदन मोहन जी पौढ़ने पधारेंगे उस समय भी श्याम स्वरूप में भी तनिया होगा, मदन मोहन जी भी तनिया धारण करेंगे, नुपुर धारण करेंगे, पोंची धारण करेंगे, कंठाभरण दुलड़ी धारण करेंगे, श्याम स्वरूप में भी दुलड़ी धारण कराई जाएगी और साथ साथ में चिबुक, बेसर, बिना लटकन के कर्णफूल, बांक, तिलक, अलकावली, पाग, सिरपेच, लपेटा, पाठ, पाग की लड़, शिशफुल, शिशफुल आदि कुछ धारण नहीं करेंगे, इतने आभूषण धारण करके श्री मदन मोहन जी या श्याम स्वरूप पौढ़ेंगे। पर जब लालन की आप सेवा करते हैं, जब लालन आप पौढ़ने पधारते हैं, तब लालन के श्रीअंग में वस्त्र कोई नहीं रहता, केवल चरणारविंद में नुपुर, कंठमाला, दो पौंचियां और अलंकार, चिबुक, बेसुर, हल्के हल्के कर्णफुल और साथ में तिलक, बेसर, बांक, पाठ वगैरह धारण करके, पाग, पाग की लड़, ठाली लड़ इतना ही धारण करके लालन को पौढ़ाते हैं, या फिर लालन को केवल टोपा धारण करके भी पौढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से लालन के, श्री मदन मोहन जी के और श्याम स्वरूप की जो श्रृंगार का प्रकार है, श्रृंगार चौकी पर पधराने के बाद जो श्रृंगार का प्रकार है, वो श्रृंगार के क्रम को हमने देखा। तो इस प्रकार से चरणारविंद से लेकर श्रीमस्तक तक के, श्रीहस्त के और श्रीअंग के सभी श्रृंगार को इस अलग अलग प्रकार से किया जाता है। इन सभी श्रृंगार के नाम हैं, इन सभी श्रृंगार के आकार और प्रकार अलग अलग हैं। सिरपेच तो कई प्रकार के सिरपेच हैं, गोप तो कई प्रकार के गोप, कंठमाला, दुलरी आदि, कौस्तुभ मणि आदि विराजमान हैं। उसी प्रकार से जो श्रृंग के श्रृंगार हैं उसमें नित्य प्रति हल्के श्रृंगार हो या भारी श्रृंगार हो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कैसा भी श्रृंगार हो उसके बिना श्रृंगार पूर्ण नहीं होता है, जैसे कि तनिया है, लेकिन जब धोती धारण करते हैं, जब परदनी धारण करते हैं तो तनिया धारण नहीं कराया जाता है। ये जो स्पेशल टिप्स हैं, जो विशेष टिप्पणियां हैं उसको अगर हम देखें तो जैसे रास के श्रृंगार हैं या गौचारण के श्रृंगार हैं उसमें बद्दी धराई जाती है। बद्दी का अर्थ ये होता है जब प्रभु गौचारण के लिए पधारते हैं तो चरणारविंद तक श्री यशोदा जी ने श्रृंगार करे हैं तो आपको गाय चराने में या रास खेलने में, नृत्य करने में वो आभरण कहीं आपके हिलन डुलन हो उसमें वो आभरण चरणारविंद में ना आए, एक आभरण दूसरे आभरण से उलझ न जाए, इसलिए प्रभु को बद्दी धारण करवाई जाती है। बद्दी का अर्थ ये होता है बीच में एक चौकी जैसी होती है और दो ऐसे जड़ाऊ के जो नग हैं उसकी पट्टियां इस तरफ से जाती हैं और दो पट्टियां नीचे की तरफ जाती हैं और पीछे जाकर वो बद्दी बंध जाती है उससे ऊपर की भाग में और नीचे के भाग में। इस प्रकार से बद्दी श्रीअंग के सभी आभूषण के ऊपर, श्रीकंठ के कंठियों और हार के ऊपर आ जाती है जिससे बद्दी पूरे श्रीकंठ के आभरण को
पकड़ लेती है। अब वो हिल डुल नहीं सकते हैं। अब प्रभु कैसे भी नृत्य करें, कैसे भी भावभंगिमा करें, प्रभु कैसे भी गौचारण में गौओं के पीछे आप दौड़ें, तो आपके आभरण बिखरते नहीं हैं। उसको पकड़ने का जो कार्य करती है वो बद्दी है। जो बंधित करती है प्रभु को, उसी को बद्दी कहा जाता है। हमारे प्रेम के वश प्रभु बाधित हों, प्रेम से बंधें, कभी कभी श्रृंगार में वो भाव हमारा प्रकट हो जाए, और इस प्रकार से जो बद्दी प्रभु को धारण कराई जाए, तो प्रभु के श्रृंगार की एक अनूठी, एक अनोखी छटा हम देख सकते हैं। एक अनूठी वो बात आपके श्रृंगार में आ जाती है। कई कई श्रृंगार ऐसे हैं जिसमें साल में एक ही बार वो श्रृंगार आता है, जैसे गाती का पीताम्बर, तो पूरे श्रृंगार धारण करने के बाद, गुंजामाला आदि सभी श्रृंगार धर लिए, केवल कंठमाला, हांस और त्रवल धरना बाकी है, या हमेल धरना बाकी है, उन सब आवरण होने के बाद उसके ऊपर से पटका धराया जाता है। तो पटका ऐसे यहां से ऊपर यहां तक लगता है और फिर यहां से पीछे बंध जाता है, जिसे गाती का पीताम्बर कहते हैं। कई लोग उसे अपभ्रंश करके धाती का भी बोल देते हैं, लेकिन मूल शब्द है गाती का पीताम्बर। गाती के पीताम्बर का अर्थ यह है कि आज प्रभु प्रथम गौचारण के लिए गोपाष्टमी के दिन पधार रहे हैं, तो यशोदा जी ने एक पीताम्बर लिया, लाल रंग के रेशम का पीताम्बर लिया, और पीछे कमर में से प्रभु को ऐसे यहां से बांधा, यहां से बांध कर और दोनों तरफ से यहां तक आया, और यहां से वो छोड़ इस तरफ निकल गया यहां पर, और यहां से निकलकर उसके जो छोड़ बचे वो ऊपर गोकर्ण बन गए। एक ही पीस में पूरा गाती का पीताम्बर धराया, लेकिन पीछे से आकर ऐसे यहां से क्रॉस जाकर यहां से वापस वो क्रॉस होकर और ऊपर दो छोड़ निकल जाते हैं। इस प्रकार से मुकुट के ऊपर श्रीकंठ के आभरण से लेकर मुकुट पर्यंत जो जाता है उसे गाती का पीताम्बर कहते हैं, जो गोपाष्टमी के दिन प्रभु को धराया जाता है। तो इस प्रकार से मुकुट पर गोकर्ण आदि के श्रृंगार, कई घरों में शरद में भी गोकर्ण आते हैं, दान के समय में भी गोकर्ण धारण कराए जाते हैं। तो ये सब जो श्रृंगार का प्रकार है, वो श्रृंगार के हल्के भारी श्रृंगारों के और विस्तृत चर्चा हम आगे के अंक में करेंगे कि किस प्रकार से वर्षोत्सव में किन किन श्रृंगारों को किया जाता है। बाल लीला का श्रृंगार किसे कहते हैं, करखा के पद जब गवते हैं तो किस प्रकार से प्रभु आप खपुआ धारण करना शुरू करते हैं, दशहरा के कितने दिन पूर्व खपुआ आ जाता है, और दशहरा के दिन प्रभु कैसे शस्त्र धारण करते हैं, ऐसे अलग अलग उष्णकाल के, सावन के, फागुन के, फागुन की अलग अलग चंदन चोवा गुलाल अबीर की चोलियों के, किस प्रकार से पूरा बंधन किया गया है, और श्रृंगार में कैसे अलग अलग प्रकार के हम जन्माष्टमी से प्रारंभ करके जन्माष्टमी पर्यंत की सेवा प्रकार को इस वर्षोत्सव के श्रृंगार के क्रम में देखेंगे, तो श्रृंगार का विभाग एक दो सत्संग में और अभी चले, उस प्रकार से शेष बाकी है। अतः ज़्यादा इसका आज के सत्संग में विस्तार न करते हुए श्रृंगार के अलग अलग प्रकारों पर हम आने वाले सत्संग में निश्चित रूप से इसका विस्तार करेंगे, इसका सत्संग करेंगे। तो आज के लिए इत्यलम इतना ही कहकर अपने इस श्रृंगार के भावना का जो आनंद है, श्रृंगार की स्वरूप का जो माधुर्य है, वो हम सभी के हृदय में, भक्त के हृदय को जो आह्लाद प्रदान करता है, उसी का नाम तो भगवत श्रृंगार है। हमें रोमांच हो जाए, हमें आह्लाद हो जाए, हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं, कंठ लड़खड़ाने लगे और आंखों में अश्रुपात होने लगे, ऐसे प्रभु के श्रृंगार किए करने के बाद जब हम प्रभु को आरसी दिखाएं, उस समय हमारी ये अवस्था धीमे धीमे बननी चाहिए। और ये अवस्था जब बने, तब प्रभु हमारे द्वारा अर्पण किए हुए जैसे भी टेढ़े मेढ़े सीधे जो भी श्रृंगार हैं, प्रभु प्रसन्नता से धारण करके और प्रभु अति प्रसन्नता से विराजते हैं। तो आप सभी के माथे विराजते प्रभु अति प्रसन्नता से विराजें, और आप इसी प्रकार के श्रृंगार वैविध्य से प्रभु को लाड़ लड़ाएं, यही अभ्यर्थना करते हुए आज के सत्संग को विराम दे रहा हूँ। शुभम भवतु, कल्याण वस्तु।